नमस्कार दोस्तों, टेक्नोटेक बीपीएन चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू ऐड जीमेल आईडी इन व्हाट्सएप। दोस्तों व्हाट्सएप में जीमेल आईडी या जीमेल अकाउंट को कैसे ऐड करें, हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक एंड एप्लीकेशन रिव्यू रिलेटेड वीडियो चैनल पे लाता रहता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों व्हाट्सएप पे जीमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट ऐड होने से क्या बेनिफिट मिलता है, हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों व्हाट्सएप पे जीमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट ऐड होने से आप डिलीट किए हुए व्हाट्सएप चैट को आप इजीली बैकअप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप कोई दूसरा मोबाइल पे अपना व्हाट्सएप अकाउंट को चलाना चाहते हैं तो आप दूसरे मोबाइल में व्हाट्सएप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप पुराना जो व्हाट्सएप अकाउंट में जितने सारे म्यूजिक वीडियो हुआ या कोई भी डॉक्यूमेंट हुआ आप इजीली बैकअप ले सकते हैं। दोस्तों ये बैकअप हम कैसे लेंगे, तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों मोबाइल पे आके व्हाट्सएप एप्लीकेशन का ऊपर टैप कर लेते हैं। व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पे व्हाट्सएप एप्लीकेशन का होम पेज विजिबल हो रहा है। दोस्तों टॉप राइट कॉर्नर जहां पे ट्रिपल डॉट विजिबल हो रहा है, सिंपली ट्रिपल डॉट का ऊपर हम टैप कर लेते हैं। ट्रिपल डॉट का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने एक छोटा सा पॉपअप मेनू विजिबल हो रहा है। बॉटम में जहां पे लिखा है सेटिंग्स, सिंपली सेटिंग्स का ऊपर टैप कर लेते हैं। दोस्तों सेटिंग्स का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने एक नया इंटरफेस विजिबल हो रहा है सेटिंग का, जहां पे लिखा है बॉटम में चार्ट्स लिखा है, मिडिल में जहां पे लिखा है चार्ट्स, हम सिंपली चार्ट्स का ऊपर टैप कर लेते हैं। दोस्तों चार्ट्स में टैप करने के बाद हमारे सामने चार्ट्स का यहाँ पे पेज विजुअल हो रहा है। हमको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद बॉटम में जहाँ पे लिखा है चार्ट बैकअप, सिंपली चार्ट बैकअप का ऊपर टैप कर लेते हैं। दोस्तों चार्ट बैकअप का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने चार्ट बैकअप का एक नया पेज विजुअल हो रहा है। टॉप में लिखा है लास्ट बैकअप। दोस्तों यहाँ पे मेंशन है बैकअप योर मैसेज एंड मीडिया टू गूगल ड्राइव, you can restore them when you reinstall WhatsApp, your message will also backup to your phone internal storage। दोस्तों अगर आप यहाँ पे बैकअप ले लेते हैं, बैकअप जो लिखा है, अगर आप बैकअप का ऊपर टैप करते हैं तो आपका व्हाट्सएप का बैकअप आपका मोबाइल में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो हम चाहते हैं हमारा जीमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट को ऐड करके हम बैकअप ले, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है बटन में जहाँ पे गूगल अकाउंट, यहाँ पे देखिए गूगल अकाउंट लिखा है, यहाँ पे लिखा है नॉन सिलेक्टेड, हमने यहाँ पे गूगल अकाउंट को ऐड किए नहीं। दोस्तों यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे गूगल अकाउंट का ऊपर टैप कर लेते हैं। तो गूगल अकाउंट का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का एक छोटा सा मेनू विजुअल हो रहा है। यहाँ पे शो हो रहा है चूज एन अकाउंट। फिलहाल मेरे मोबाइल में एक ही जीमेल अकाउंट है। अगर आपके मोबाइल में मल्टीपल जीमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट होगा तो इनमें से आप कोई भी एक जीमेल अकाउंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐड अकाउंट में टैप करके एक नया अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस मेल आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूं, जो जीमेल आईडी यहां पे विजिबल हो रहा है उसके राइट कॉर्नर में जो टगल बटन है उसको एक्टिवेट कर लेता हूं। दोस्तों यहां पे देखिए मेरा एक ही मेल आईडी यहां पे विजिबल हो रहा है, उसके राइट कॉर्नर में जो टगल बटन है उसको एक्टिवेट करने के बाद यहां पे ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन हो रहा है। दोस्तों वेरिफिकेशन होने के बाद हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ गया, यहाँ पे हम परमिशन को अलाउ कर लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेजर वांट टू एक्सेस योर गूगल अकाउंट, यहाँ पे हम अलाउ परमिशन कर लेते हैं। दोस्तों अलाउ करने के बाद हमारा जो गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट व्हाट्सएप में ऐड हो चुका है। तो व्हाट्सएप पे गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट ऐड होने के बाद टॉप में जहाँ पे लिखा है बैकअप, दोस्तों सिंपली बैकअप का ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए एक मेनू ओपन हो गया, यहाँ पे लिखा है बैकअप टू गूगल ड्राइव। दोस्तों आप गूगल ड्राइव में बैकअप कब लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ओनली व्हेन आई टैप बैकअप, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डेली बैकअप लेने के लिए तो डेली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वीकली या मंथली, आप अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अपना जीमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट को ऐड करके अपना व्हाट्सएप का बैकअप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।